वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई नो क्या सोच रहे हो, ये क्या, ये कैसे। तो ये सारा सीन ऊपर जाके बताऊंगा। नीचे आया था और नीचे आते ही अचानक से व्लॉग स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा व्लॉग नहीं आया तब से, तो एक और व्लॉग शुरू कर लेते हैं। हम लोगों से कुछ शेयर भी करते हैं, कुछ बातें शातें करते हैं, ठीक है। तो अभी नीचे आए थे हम वैसे ही, मतलब वो लेने ड्रिंक्स वगैरह लेने, तो अब ऊपर जा रहे हैं, ऊपर चल के फिर गप्पे लगाते हैं। प्लान थोड़ा सा चेंज हो गया है, अभी फ़िलहाल हम नीचे फिर रहे हैं। आर्या को भी लेके आए थे, तो मायरा ने कॉफ़ी वगैरह ली थी, तो मायरा कॉफ़ी शॉपी पी रही है। बनानास वगैरह लिए थे और अब हमने कहा थोड़ा सा नीचे फिर लें, क्योंकि हवा बहुत फिट चल रही है, मौसम बहुत अच्छा है और हम दो दिन से तो काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थे। और तो हाँ यार, ये चक्कर है। अच्छा, अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये वाला चक्कर कैसे हुआ, ये वाला कैसे हुआ। तो ये वाला चक्कर ऐसे हुआ है कि हमने ऐसे ही शोखी शोखी में ना कलर ले लिया, कौन सा, एश ग्रे और वाइट, दो कलर्स लिए। क्या नाम अपने अपने बाल पे लगाएंगे, ठीक है, और फिर अपना जो है ना, मतलब सारी लुक चेंज करेंगे, देखते हैं क्या बनता है। मतलब इस सेंस में हमने लिया था, सही है। तो बालों पे लगाया पहले वाइट कलर, वाइट कलर से मेरे बाल हो गए बहुत ज़्यादा लाइट ब्राउन। हमने कहा यार ये तो काम कर रहा है, क्योंकि मेरे बालों पे यूजली कलर चढ़ता नहीं, और एक्सपेरिमेंट्स मैं करता ही रहता हूँ, ठीक है। तो ये हमने करके देखा, वो कलर सही से चढ़ा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा लाइट हो गया, प्रॉपर नहीं उतरा। उसके बाद क्या किया, उसके बाद हमने लगाया एश ग्रे। एश ग्रे से हो गए बाल मेरे थोड़े से और डार्क, लेकिन कलर तकरीबन वही का वही रहा, थोड़े से डार्क हो गए बस, सही है। तो अब हम कश्मकश में फंस गए, अब फ़ौरन कलर लगा भी नहीं सकते। वैसे भी पता नहीं कैमरे में कैसा लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा तो सही लग रहा है। अगर मैं अपने दिल को तसल्ली नहीं दे रहा, तुम लोग बताना कैसा लग रहा है, मैं तुम्हें टोपी उतार के दिखाता हूँ। लेकिन फ़िलहाल चक्कर ये है कि एश ग्रे करना था, ठीक है, और उसके चक्कर में ये ब्लॉन्ड रोज गोल्ड, बड़ा अच्छा सा है जो भी है, तो हम, मुझे भी अच्छा लग रहा है, और बाल मतलब वो एक एक लेयर नज़र आती है बनाने में, और ये वो इस तरह का सीन है। ओके, तो अब मैं तुम लोगों को उतार के दिखाता हूँ कि हमने किया क्या है अपने बालों के साथ, ठीक है। ओके, ये है हमारा बाल जो कि हो चुके हैं, मेरा कह रही अच्छे लगे हैं, पता नहीं आ रहा, तुम लोग बताना। हाँ, ये हेलो, ये देखो अच्छे लग रहे हैं। तो ये हैं हमारे बाल जो कि डाई हुए हैं। मेरा ये कलर होता तो मैं तो बहुत खुश हूं। मायरा को था, मायरा तो करे थे, लेकिन मैंने ऐश ब्लॉन्ड, ऐश ब्लॉन्ड। हां, ये देखो, इट्स नाइस यार, इट्स अ नाइस कलर। लड़कियों पे तो बहुत ही खूबसूरत लगे ना ये। लड़कों पे भी लगेगा, लड़के अंग्रेज हों तो। खैर, तो अभी चक्कर ये है कि अब मैंने इसको चेंज करके बेसिकली गोल यही था कि हमने करना है इस पे पर्पल कर देती हूँ, ग्रीन नहीं, कर देती हूँ, बस दो। ओ भाई नहीं, जोकर नहीं, जोकर नहीं बनना। हमने करना है कलर हमारा ग्रे, तो अब इसको हम दोबारा वो करेंगे ग्रे, और मेरी थिक ब्लैक दाढ़ी के साथ आई थिंक ये सूट करेगा। तो ये लाइफ में चल रहा था, एक दिन तो हम जेन्युइन बिजी थे और एक दिन हम इसमें बिजी थे, ठीक है। तो ये चल रहा था सुबह 8 बजे तक, भाई रात दो कलर्स लगाए और उसके बाद सर में से सेक निकल रहा था, लग रहा था बाल सारे टूट जाएंगे, ठीक है, ये वाला चक्कर हुआ हुआ था। तो अब ये है कि अब हफ्ते तक, कुछ दिन रुके ताकि थोड़ा सा सर रिकवर हो जाए, तो हम इसको ग्रे करेंगे, और अगर फिर ग्रे भी अच्छा ना लगा तो फिर अगले हफ्ते हम इसको वापस से ब्लैक कर लेंगे। हाँ, और मैं फ्री की इनकी हेयर स्टाइलिस्ट, और मायरा हमारी फ्री की हेयर स्टाइलिस्ट है, अपने बालों पे इसने लगाया नहीं, ठीक है। मैंने और कैनी भाई ने कर लिया, कैनी भाई ने भी किया, उनका भी काफ़ी ज़बरदस्त किस्म का बेड़ा गर्क हुआ जैसा मेरा हुआ। लेकिन ये है कि मैंने कहा मैं तुम लोग को दिखा दूँ, क्योंकि अब डेली ब्लॉगिंग शुरू की हुई है, तो भैया सब कुछ तो तुम्हारे साथ शेयर करना पड़ेगा। नकली लग रहे हैं आपके बाल, पता है, नकली लग रहे हैं, शाइन इतने ज्यादा हो रहे हैं, विग लग रही है, इतनी शाइन हो रहे हैं कि बस। और आपने मुझे पिक्चर डाली है ना, हाँ, उसमें वो कलर ही नहीं आ रहा था। हाँ, आपने फिल्टर के साथ डाली है ना। हाँ, तो मायरा भी मुझे ये बता रही थी कि मैंने एक ना पिक्चर लगाई अपने इंस्टाग्राम पे, और उसमें मेरे दोस्तों ने मुझे शानदार किस्म की रोस्टिंग की कि तूने क्या कर लिया भाई, क्या कर लिया। लेकिन उस पिक्चर में मायरा कह रही है कि आपका सही वाला हेयर कलर आ नहीं रहा था, आपका कलर सही वाला जो है वो इस टाइम ये आ रहा है, क्योंकि वो फ़िल्टर भी था और फिर नाइट मोड भी था, तो उसकी वजह से, सही है। तो अभी ये है कि अभी मायरा ने कॉफ़ी शॉफ़ी पी ली है, आर्या भी हमारे साथ है, तो अब ऊपर चलते हैं और ऊपर चल के करते हैं बाकी की बातें। ऊपर आ चुके हैं, तो एक तुम्हें मैंने एक बात बतानी थी, ठीक है, वो ये है कि कल का ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, कुछ सोच के रखा हुआ है हमने। जैसा कि मैंने पिछले एक ब्लॉग में बताया कि हम कुछ चैलेंजेस करने जा रहे हैं, तो कल एक और चैलेंज होने जा रहा है और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो कल का ब्लॉग तो ज़रूर देखना भाई, उसको मिस ना करना, ठीक है।
अगर अभी भी तुमने नोटिफिकेशंस ऑन नहीं की नहीं तो उनको ऑन कर लो, क्योंकि कल तकरीबन रात को ही मैं डालूंगा मलेशियन टाइम के हिसाब से ही, तो लेट नाइट ही आएगा। बहरहाल चेक ज़रूर करना, और बाकी यार कमेंट करके ये भी बताना कि ये तुम लोगों को बाल मेरे कैसे लग रहे हैं। तो एनीवेज यार, ये था आज का ब्लॉग, आई होप तुम सबको पसंद आया होगा। मुबारक हो, मुबारक हो हम लोगों की जो फैमिली, हम लोगों का जो चैनल है वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, विच इज़ अमेजिंग। ये फीलिंग ही एक अलग है, सही है। तो हम लोग तकरीबन 900 पे पहुंचने वाले हैं, अभी तो 820 समथिंग है, तो आर्या रो रही है। तो हम सून जो है 900 पे पहुंच जाएंगे। थैंक यू सो मच सबका, थैंक यू सो मच, इसी तरह सपोर्ट करते रहो। और अगेन यार, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि कल की वीडियो बहुत ही कमाल होने वाली है। तो यार खैर, मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। सी यू, बाय बाय, टेक केयर।